गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज 4 जून है, तारीख लिख दिए हैं 4 जून। हम यह पहला पार्ट जो पढ़ा रहे थे, हेडिंग लिखा हुआ है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। आज पार्ट टू चलेगा, फर्स्ट पार्ट अब निकाल के देखेंगे, तब पार्ट टू जाएंगे। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का पहला पार्ट मैंने पढ़ा दिया, आज मैं ये दूसरा पार्ट जो पढ़ाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। तो मैं चर्चा कर रहा था कि जीन का ट्रांसफर कैसे होता है, तो परिभाषा मैंने लिखा दिया कि जब क्रोमोसोम के माध्यम से, देखिए क्रोमोसोम जुड़ा हुआ है, बार बार क्रोमोसोम आ रहा है बात को, और क्रोमोसोम बताएंगे, जब क्रोमोसोम के माध्यम से जीन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, उसी क्रिया को क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। तो पहला पार्ट या परिभाषा मैंने लिखा दिया। इस परिभाषा को लिखने के बाद पहले पार्ट से दूसरे पार्ट में तब उससे आगे बढ़ना, हाफ पैराग्राफ शुरू करना है, वहां से लिखना है यह क्रिया जीन जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाता है, यह क्रिया किसके द्वारा जाता है, यह क्रिया मेल और फीमेल के माध्यम से संपन्न होती है। यह क्रिया मेल और फीमेल के द्वारा होती है, कौन क्रिया, जीन के ट्रांसफर की क्रिया, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो जाता है, यह क्रिया मेल और फीमेल के माध्यम से होती है। जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने की क्रिया मेल और फीमेल के द्वारा होता है। अब मेल और फीमेल के द्वारा जो होता है, तो उसमें फर्स्ट पार्ट में हम सारा बात समझा दिए कि सेक्स क्या है और फीमेल का ओवरी क्या है, मेल का टेस्टिस क्या है, सारा बात हमने बता दिया। फिर दूसरे पार्ट में फिर मैं बताऊंगा, पहले इतनी बात मैं लिख देता हूँ। परिभाषा लिखने के बाद तब यहां से लिखेंगे हाफ पैराग्राफ से, यह क्रिया जीन का ट्रांसफर क्रिया, यह क्रिया मेल एंड फीमेल के द्वारा होती है, मेल और फीमेल के द्वारा होती है, मेल एंड फीमेल के माध्यम से ही, मेल एंड फीमेल के माध्यम से ही जीन एक जनरेशन से दूसरे, एक जनरेशन से दूसरे जेनरेशन में ट्रांसफर होते रहते हैं। तो सारा बात यहां तोड़ के लिख दिए, यह क्रिया मेल और फीमेल के द्वारा होती है, मेल और फीमेल के माध्यम से ही जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते रहते हैं। क्या ट्रांसफर होते रहते हैं, जीन। अब कैसे ट्रांसफर होता है, अब इसको मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना है। तो मेल का सेक्स ऑर्गन और फीमेल का सेक्स ऑर्गन, सारा बात समझाना है।
मेल सेक्स ऑर्गन क्रॉस हुआ फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो सेक्स किसे कहते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो सेक्स किसे कहते हैं, ध्यान से मैं समझा रहा हूं पुनः, मेल और फीमेल के अंगों के स्टडी करने की क्रिया को सेक्स कहते हैं। तो मेल का अंग क्या हुआ, फीमेल का अंग क्या हुआ सेक्स के मामले में, वह आप लिखने जा रहे हैं। तो मेल का सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस, और टेस्टिस का हिंदी होता है ब्रिसन। फीमेल का सेक्स ऑर्गन होता है ओवरी, ओवरी माना अंडाशय। टेस्टिस को हाइड्रोसिल भी कहा जाता है। इसी टेस्टिस से क्या निकलता है, स्पर्म, स्पर्म माना शुक्राणु। ओवरी से क्या निकलता है, ओवा, जिसको एग भी कहते हैं। ओवरी से क्या निकलता है, ओवा। तो मेल का सेक्स ऑर्गन क्या हुआ, टेस्टिस, यही टेस्टिस हुआ। फीमेल का सेक्स ऑर्गन क्या हुआ, ओवरी, तो टेस्टिस और ओवरी, या मेल और फीमेल का अंग होता है, अंगों के स्टडी करने की क्रिया को सेक्स कहते हैं। तो अब टेस्टिस के अंदर क्या बनता है, स्पर्म बनता है। टेस्टिस के अंदर क्या बनता है, स्पर्म। ओवरी के अंदर क्या बनता है, ओवा। अब स्पर्म किससे चूज करता है, ओवा से। स्पर्म किससे चूज करता है, ओवा से। स्पर्म ओवा से चूज करते हैं, फ्यूज मैंने मिलना, फ्यूज करने के बाद क्या बनते हैं, जायगोट। क्या बनते हैं, जायगोट बनते हैं। अब जायगोट जो बनते हैं हमको अभी यहीं तक बताना है। जायगोट से क्या बनता है, इम्ब्रियो, इम्ब्रियो से क्या बनता है, न्यू चाइल्ड। इसमें हमको बताना है कि कैसे इसका जीन का आदान प्रदान हुआ। तो मेल का स्पर्म में जीन, फीमेल के ओवा में जीन होता है, दोनों जीन चूज करके जायगोट बनाया। अब इसी जायगोट से सेक्स का निर्धारण होता है। अब सेक्स का निर्धारण होता है, पहले आपको यह समझना है कि मेल के क्रोमोसोम में क्या रहता है, फीमेल के क्रोमोसोम में क्या रहता है, अपना आगे समझ में आएगा। तो समझिए यहाँ बात को, यहां समझिए, मेल, मेल में जब भी रहता है एक्स और वाई, इसको वाई कहा जाता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम, एक्स और वाई क्रोमोसोम। मेल में क्या हुआ, एक्स और वाई क्रोमोसोम। अब यहां पे कौन डिवीजन काम करेगा, मियोसिस डिवीजन काम करेंगे। यहाँ पे मियोसिस, बात समझिए, अर्धसूत्री विभाजन, सेल डिवीजन का भाग है, या रिप्रोडक्टिव सेल में काम करता है, प्रजनन कोशिका में। मियोसिस डिवीजन क्या किया, एक्स क्रोमोसोम अलग कर दिया, वाई क्रोमोसोम अलग कर दिया। तो मेल में क्या हो गया, एक्स और वाई भिन्न क्रोमोसोम है, एक्स अलग होता है, वाई अलग होता है। इस पॉइंट को समझिए। अब आगे समझाते हैं फीमेल का, फीमेल का देखिए क्या होता है, फीमेल की बात है। फीमेल में देखना है, मेल फीमेल का देखिए, फीमेल में जब भी रहता है एक्स और एक्स होता है, यहाँ पे कौन डिवीजन काम करेंगे, म्योसिस डिवीजन। अब आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान देना, म्योसिस डिवीजन, म्योसिस डिवीजन क्या क्या, एक्स और एक्स क्रोमोसोम का अलग कर दिया, एक्स और एक्स क्रोमोसोम का अलग कर दिया।
आप जो यहाँ स्पर्म है या स्पर्म फीमेल के बॉडी में जाते हैं, हो सकता है इस स्पर्म में वाई क्रोमोसोम हो। अब फीमेल के ओवा में क्या रखता है, एक्स ही रखता है। इनवर्सल ट्रूथ है कि फीमेल में जब भी क्रोमोसोम होती है एक्स और एक्स ही होता है, इसमें किंतु परंतु कोई गुंजाइश नहीं है। अब मेल में भिन्न क्रोमोसोम है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिए, एक्स और वाई क्रोमोसोम है, एक्स और वाई क्रोमोसोम है। अब मेल का स्पर्म जब फीमेल के अंदर जाते हैं, हो सकता है इस स्पर्म में वाई क्रोमोसोम हो, और ओवा में क्या रहता है एक्स, तो वाई और एक्स फ्यूज करेंगे तो किसका निर्माण होगा, मेल का निर्माण होगा। वाई जब एक्स से फ्यूज करेगा तो किसका निर्माण होगा, मेल का। यहाँ पॉइंट को गौर कीजिए, पॉइंट इज नोटेड, जब मेल का स्पर्म अगर वाई क्रोमोसोम है, ओवा में एक्स रहता ही है, तो वाई किसे फ्यूज किया, एक्स से, तो किसका निर्माण हुआ, मेल का निर्माण हुआ, इसी के माध्यम से जीन ट्रांसफर होता है। अब फीमेल की बात सुनिए, अब फीमेल में एक्स रहता ही है, हो सकता है उस स्पर्म में मेल का एक्स क्रोमोसोम है, मेल का अगर एक्स क्रोमोसोम है, जब यह स्पर्म के द्वारा फीमेल के बॉडी में जाएंगे तो वहां ओवा एक्स से ही फ्यूज करेगा, तो एक्स एक्स से फ्यूज किया इसका निर्माण होगा, फीमेल का निर्माण होगा। तो यानी इसी फ्यूज में जब निर्धारित हो जाता है लड़का होंगे कि लड़की होंगे, सेक्स का निर्धारण कहाँ हुआ, फ्यूज की करने की जायगोट में हुआ, कहाँ पे हुआ, जायगोट में। तो यहाँ वाई एक्स से फ्यूज किया तो लड़का का निर्माण होगा, अगर इस पर एक्स और एक्स से फ्यूज किया फीमेल का निर्माण होगा, है तो जायगोट में ही किसका निर्धारण हुआ, सेक्स का, उसी क्रिया को कहा जाता है सेक्स डिटरमिनेशन। जब जायगोट से सेक्स का निर्धारण होते हैं उसी क्रिया को सेक्स डिटरमिनेशन कहते हैं, और यह क्रिया क्रोमोसोम के माध्यम से संपन्न होती है, इसलिए उसको कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम। जायगोट से निर्धारण होता है, यही तक बात बोलना है, अब सारा बात समझ गए, लिख यहाँ बता देते हैं, जब जायगोट से सेक्स का निर्धारण होते हैं कॉमा, जब जायगोट से ही सेक्स का निर्धारण होते हैं कॉमा, तब से सेक्स डिटरमिनेशन, सेक्स डिटरमिनेशन कहते हैं। इस क्रिया में यह क्रिया किसके माध्यम से संपन्न हुआ, क्रोमोसोम, यह क्रिया क्रोमोसोम, यह क्रिया मतलब सेक्स की क्रिया, यह क्रिया क्रोमोसोम के माध्यम से संपन्न होते हैं, यह क्रिया क्रोमोसोम के माध्यम से संपन्न होते हैं, इसलिए इसे सेक्स क्रोमोसोम, इसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। बात समझिए, जायगोट से जायगोट किसका निर्धारण हुआ, सेक्स का, कि लड़का होंगे कि लड़की होंगे, उसी क्रिया को क्या कहा गया, सेक्स डिटरमिनेशन। यह क्रिया किसके माध्यम संपन्न हुआ, यानी सेक्स डिटरमिनेशन क्रिया किसके माध्यम संपन्न हुआ, क्रोमोसोम के माध्यम से संपन्न होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा गया, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे
सारी बात समझ में आ जाएगा। नहीं किंतु परंतु नहीं होगा, टोटल ए टू जेड हम लिख दिए बात को, सारा सिंपल भाषा में मैंने वक्तव्य दे दिया है, इसलिए इसको गौर से पढ़ेंगे, समझेंगे, लिखते भी जाएंगे और अंत में हमारी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपको लाइक सब्सक्राइब के द्वारा कॉन्फिडेंस बढ़ावे, ताकि नेक्स्ट टॉपिक और इससे जोर शोर से हम पढ़ावे। थैंक यू।